दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से बहुत ही बढ़िया अपडेट आ चुका है YPP प्रोग्राम को लेके। YPP यानी कि यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, इनकी ओर से टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग जो है नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स को बेसिकली हायर किए जाते हैं और उनको एवरी मंथ जो अपटू 40 से लेकर के 50,000 का स्टाइपेंड भी अवार्ड किए जाते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग देख पाएंगे इसका ड्यूरेशन जो स्टार्टिंग है 1 ईयर का होगा और मैक्सिमम यहाँ पर 2 ईयर्स तक का ड्यूरेशन आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, नीड पे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखें कौन कौन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर रिसर्च स्कॉलर्स है, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में हो, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों स्किल्स में आप लोग देख पाएंगे IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और एज जो है दोस्तों नॉट मोर देन 30 ईयर्स, यानी कि 30 ईयर्स अगर बिलो है तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आप अप्लाई करते हैं उसको स्क्रीनिंग किए जाते हैं, कौन कौन से एलिजिबल है ये देखे जाते हैं, उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है एंड एक सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल यहाँ पे लिस्ट निकाले जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको बेसिकली इसमें कैग के हेड ऑफिस में आपको वर्क करने का मौका मिल सकता है, नई चीजों को सीखने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मंथली रिमुनरेशन ऑफ 40 से लेकर के 50,000 तक आप लोग को दिए जाएंगे बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। इसमें अप्लाई करना ही बहुत ही आसान है, सिंपली कंप्लीट PDF का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप इन सब डिटेल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हल्का से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको छोटा सा एक फॉर्म देखने को मिल जाता है, बिल्कुल इसी फॉर्म को आपको मेल पे सेंड करना होता है। लाइक आपको यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी ये सब सेलेक्ट करना है। ऊपर दोस्तों आपको फोटो अपना पेस्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री, कॉलेज, ईयर ये सब को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको सिग्नेचर वगैरह डालना होता है, प्लेस, डेट ये सब डाल के दोस्तों आपको सिंपली मेल करना होता है। यहाँ पे आपको एक मेल ID देखने को मिल जाएगा तो इसी पे आपको मेल करना है। पोस्ट वगैरह आप यहाँ पे नहीं कर सकते, कुरियर वगैरह से जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको सिंपली मेल ही करना है, वो भी 15 जून 2022 के पहले। तो अगर आप लोग एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो 15 जून के पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं जरूर से इसमें अप्लाई करें। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।